सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान है। 6 अगस्त 2021 की वर्कशीट है बच्चों, टॉपिक है पर्यावरण। स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चे लाइक शेयर कर देना। टॉपिक स्टार्ट करते हैं जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस रूप में या तो बर्फ के रूप में, या फिर तरल, और या फिर गैस जो भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है बच्चों, आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है इसके बारे में लिखिए। तो हमने 3 रूप में देखा है, बर्फ, तरल और वाष्प। बर्फ के रूप में भी आपने देखा होगा, तरल जो आप पानी पीते हैं, और वाष्प जो कि उबालने पर भाप बनकर उड़ जाता है। क्या आपको लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है, कारण बताइए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, पानी शरीर में तरल पदार्थों का उपयोग, पाचन, लार का निर्माण, पोषक तत्वों का वहन और तो पोषक तत्वों के वहन और शरीर का तापमान बनाए रखता है। तो इस ये आंसर लिख देंगे आप कि हाँ सभी जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बस उसके बाद वो आंसर लिख देंगे। अब आगे पढ़ते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। आओ कुछ करके सीखें। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना। वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाई है। तो बच्चा आपको सूची बना देनी है, ठीक है, यही लिख दीजिए आप 3। तो हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना, इसके अलावा आप लिख सकते हैं इंद्रधनुष का दिखाई देना, और आप लिख सकते हैं बादलों का फटना, ठीक है, ये सब आप लिख दीजिए, 4-5 बहुत हैं। वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। अब महत्व का वर्णन आप ये लिख देंगे यहाँ से, ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। महत्व इतना लिख देंगे, और घटनाएं तो जो मैंने आपको बताया आप वही लिख देंगे। आओ जाने, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी है। 78% तो नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन। वायु में बहुत सारी अन्य गैसें की भी छोटी मात्रा में होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नियोन होती है, हाइड्रोजन होती है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, जैवमंडल से आप क्या समझते हैं, तो आप आंसर में यही लिख लेंगे। देखिए यहीं से स्टार्ट कर देंगे, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये 5 परतें दिखाई हुई हैं, आप इनके यहाँ नाम लिख देंगे, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल। ठीक है बच्चों, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।